डॉक्टर मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो डिमांड है ये डिमांड हम फुलफिल करने वाले हैं, उसने रखा है 2 महीने। तो हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमें 30 साल से हम एहतजाज पे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं। आज उसने हमारी जो डिमांड है उसने उस पर गौर फरमाया और हमें मिलने की चाहत भी है, गवर्नर साहब से भी हमें मिलने की चाहत है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम उससे मिलेंगे। और जो हमारी डायरेक्टर मैडम हम उससे भी प्रकाश कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं तो प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए आज हम मीडिया के सामने इसलिए आए कि हमें डायरेक्टर मैडम का शुक्रिया करना है और गवर्नर साहब का शुक्रिया करना है। आप देख रहे हैं कि हम रोज पर रोज हम सड़कों पे आ रहे हैं, गलियों कोचों में हम प्रकाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं सुनने वाला था। आज हमारी बात सुनी गई है, विश्वास के साथ हमारी बात सुनी गई है गवर्नर साहब। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है कि आपके मुतालबात है उन पर गौर फरमाया जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं हम इस हम संजीदगी से हम इस बात पे देख रहे हैं कि कल से जो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स है वो अपने तंजीम को बोल रहे हैं कि शुक्रिया, वो खुशी से समाए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको खुशी की बात है कि गवर्नर साहब ने हमारी बात सुनी है, उनके कानों तक ये हमारी बात सुनी। और जो हमारी जो ये हम नहीं कहते हैं कि साहब CDPO मैडम ही ऐसी है, हमारी CDPO मैडम हमने जो 2018 और 2020 की जो लायबिलिटी थी तो हमें वो मिली है, लेकिन वो वाहिद एक प्रोजेक्ट में रही है, वो है यजब्यारा में, उनको खाली 1 महीना मिला है, जब हर किसी को 2-2 महीने मिले हैं तो पता नहीं वो डायरेक्टर ऑफिस से वो निकली है, पता नहीं वो किन के जेब में गई है। हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं आप लोगों के वसादत से कि वो हमें वो पता करे वो पैसा किसके जेब में है, वो सुपरवाइजरों की जेब में है या CDPO मैडम जो वहाँ CDPO है वो जो या वहाँ CDPO है वो उनकी जेब में है या सुपरवाइजरों की जेब है। और जो एक दूसरी CDPO ने वो गई किसी सेंटर पे वो गई है, उसने वहाँ निशान लिया है, वो वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर ड्यूटी पर नहीं थी, तो वो अच्छी बात है, उसने उस पर एक्शन लिए है, वो तो अच्छी बात है, उनको तो जाना है फील्ड में, उसको देखना है कि आंगनवाड़ी वर्कर ड्यूटी देती है या नहीं देती है, उसको देखना है, इसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उसने नाशायजा अल्फाज उसने वो इस्तेमाल किए हैं, तो हम डायरेक्टर मैडम से गुजारिश कर रहे हैं, हमें पूरा पता है कि वो इस बात पर CDPO को एक्शन ले जाएगी, तो वो हमें बहुत इज्जत कर रही है, हम उसके पास जाते हैं, वो हमें इज्जत से हमारे साथ बात करिए, वैसे हमें CDPO भी इज्जत करना चाहिए। लेकिन ये तो एक दो CDPO है जिनको पता नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर से कैसे चलना, ये तो जो हमारा डिपार्टमेंट है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का कंधे पर है, ये सुपरवाइजर के कंधे पर नहीं है, ये CDPO के कंधे पर नहीं है, ये डिपार्टमेंट हमारे कंधे पर है। हम गुजारिश कर रहे हैं डायरेक्टर मैडम से कि जो ये हमने जो बात है आप जब उनके सामने हमने बोली है तो उसका एक्शन लिया जाए, तो बाकी हम उसको तहे दिल से जज्बात कहाँ से हम लाएंगे कि उसका शुक्रिया अदा करेंगे, हम उसके पास ही जाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, बाकी आप लोगों को भी शुक्रिया। जिंदाबाद।